उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं चीख पुकार सुन लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। दरअसल घटना सदर कोतवाली में किला चौकी क्षेत्र के ईदगाह पत्थरकट्टा कॉलोनी की है, जहां के रहने वाले शिबू खान का 34 वर्षीय पत्नी शाइस्ता परवीन से बीती रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान आक्रोश में आकर शिबू खान ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन मोहल्ले के लोग दौड़े और उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद फोर्स के साथ सदर कोतवाल अश्विनी मिश्रा चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने आनन फानन में गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उधर हत्या की जानकारी मिलती ही एसपी शशि शेखर सिंह और सीओ सिटी आशुतोष कुमार पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने मोहल्ले के लोगों से घटना की जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति शिबू को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि महिला की हत्या को लेकर जांच की जा रही है, तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जनपद उन्नाव के ईदगाह मोहल्ले में एक महिला जिसका नाम शाइस्ता परवीन है, उसकी हत्या उसके ही पति शिबू द्वारा घरेलू विवाद के चलते कर दी गई है। इस मामले में लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके जो मायके वाले हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। जैसे वो लोग यहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं, उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है उसके अनुसार इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्या अभियुक्त को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।